Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Dear student, today I am going to teach you chapter 7 of your literature book. The name of the chapter is There is a Land. This is a poem. Today we will revise this poem. There is a Land. This poem is composed by Leland B. Jacobs. This poem is composed by Leland B Jacobs nineteen zero seven to nineteen ninety two was an American professor. Who was an who was an American professor? Leland B. Jacobs was an American professor. He taught English in colleges. Leland B Jacobs.

Leland B Jacobs was an American professor. He taught English in colleges. He also wrote children's stories, poems and articles on how to teach young students English. In this poem means what is the name of the poem? There is a land. Poem ka kya naam hai? There is a land. Then is poem me speaker kya bata rahe hai? In this poem the speaker

प्लीजर uh, मिलता है बुक को पढ़ने के बाद जो खुशी मिलती है उसके बारे में वो बताते हैं और क्या बता रहे हैं ही सेज दैट देर इज अ मैजिकल लैंड वो बोलते हैं कि एक जादुई जगह है मैजिकल मतलब जादुई ही सेज दैट देयर इज अ मैजिकल लैंड दैट वी कैन विजिट ओनली इफ वी रीड एनी स्टोरी बुक क्या बोलते हैं कि एक जादुई जगह है और हम उस जगह पे तभी जा सकते हैं अगर हम लोग स्टोरीज बुक को पढ़ेंगे he says that there is a magical land that we can visit only if we read stories book this is because books have the power to help us imagine almost any things even magic why this is because this is because books have the power to help us imagine almost any things even magic Now dear students let's read this poem. First of all look the word meaning of this poem. Marvelous. What is the meaning of marvelous? Wonderful. The meaning of marvelous is wonderful. Trolls. Trolls का मतलब क्या होता है? अग्ली. अग्ली का क्या होता है? अग्ली क्रूप को बोलते हैं. जैसे beautiful को सुंदर बोलते हैं. वैसे ही beautiful का opposite word क्या हो जाता है? अगली मतलब कि बदसूरत क्रूप तो ट्रोल्स का मतलब क्या हुआ अगली इमेजिनरी क्रिएचर्स फ्रॉम स्टोरीज मतलब कि कोई बदसूरत क्रिएचर्स इमेजिनरी मतलब कल्पना किया हुआ कोई क्रिएचर है इस स्टोरीज बुक से इस पोएम से मतलब ट्रोल्स मतलब कोई बदसूरत क्रिएचर का डिवेल मतलब क्या होता है लीव डिवेल का मतलब लीव ब्रियु ब्रू मीन्स हियर अ मैजिकल ड्रिंक ब्र्यू का मतलब क्या होता है अ मैजिकल ड्रिंक ब्रॉनिस मैजिकल क्रिएचर्स दैट लुक लाइक स्मॉल ह्यूमेन्स एंड आर सेड टू लीव इन आवर हाउसेस एंड हेल्प आउट विथ कोर्स ब्रॉनिस मतलब क्या होता है एक मैजिकल क्रिएचर मतलब एक जादुई क्रिएचर ट लुक लाइक स्मॉल ह्यूमन्स कैसा इसको ब्रॉनिस को हम लोग बोना भी बोल सकते हैं स्मॉल ह्यूमन्स लिखा हुआ है इसलिए छोटा इंसान और उन लोग के पास जादुई मेज, मेजिकल जादुई है एंड आर सेट टू लिव इन आवर हाउसेस एंड हेल्प आउट विथ कोर्स सिवरी सेक इन बिकॉज ऑफ फियर और द कोल्ड सीवरी मतलब क्या होता है डर से कांपना या फिर ठंड से कांपना सिवरी मतलब क्या हुआ सेकिंग बिकॉज ऑफ फियर और द कोल्ड प्राउल प्राउल मीन्स मूव अराउंड एन एरिया क्वाइटली हियर वाइल हंटिन प्राउल मतलब क्या होता है चुप छाप सान से इधर उधर मूव करना स्पेशली हंटिन टाइम मतलब शिकार करने टाइम प्राउल मतलब क्या हुआ मूव अराउंड एन एरिया क्वाइटली हियर वाइल हंटिन मोन मोन मतलब मेक अ लॉन्ग लो साउंड टू शो पेन और अनहैप्पीनेस मोन मेक अ लॉन्ग लो साउंड टू शो पेन और अनहैप्पीनेस मतलब कि एक लंबा सा लेकिन धीरे साउंड निकलना जब दर्द में हो या फिर दुखी हो नाउ डियर स्टूडेंट रिपीट वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू देयर इज अंड अ मार्भेलस लैंड मतलब एक लैंड है वो कैसा लैंड है मार्वेलस मार्वेलस मतलब वंडरफुल वेरी ब्यूटीफुल मतलब कि एक लैंड है बहुत ही सुंदर लैंड है देयर इज लैंड अ मार्वेलस लैंडर ट्रोल्स एंड जेन्ट्स डिवेल उस मार्वेलस लैंड पे कौन कौन रहता है ट्रॉल्स ट्रॉल्स मतलब अभी अभी मैं क्या बताई हूं अग, अगली इमेजनरी क्रिएचर्स फ्रॉम स्टोरीज मतलब कि वही बदसूरत इंसान जिसे हमें कल्पना करना है और जेंट्स मतलब क्या होता है राक्षस और डिवेल मतलब क्या होता है रहना डिवेल्स मतलब लीव तो इस मार्वेलस लैंड में कौन रहता है ट्रोल्स और जेनस देयर इज अ मार्वेलस लैंड वे आर ट्रोल्स एंड जेंट्स डिवेल वे आर विचेज मतलब क्या होता है चुड़ैल तो वहां चुड़ैल क्या करती है वे आर वीचेज विथ दे आर बीटर ब्रियू बीटर मतलब बहुत तीखा ब्रू मतलब क्या होता है अ मैजिकल ड्रिंक एक जादुई ड्रिंक तो वहां विचेज क्या करती है वेयर आर बीचेज विथ दे आर बीटर ब्रयू कैन कास्ट अ मैजिक स्पेल कैन कास्ट अ मैजिक स्पेल मतलब किसी पे जादू कर देना क्या चीज से जादू करेगी अपने ब्र्यू से मतलब अपने मैजिकल ड्रिंक से विचेज क्या करेगी अपने बीटर ब्रू से किसी पे मैजिक स्पेल किसी पे मैजिक कास्ट कर सकती है मतलब किसी को अपने जादू में कर सकती है देयर इज अ लैंड अ मार्वेलस लैंड वे आर ट्रॉल्स एंड जेन्ट्स डिवेल वे आर विच इज विथ देयर आर बीटर ब्र्यू कैन कास्ट अ मैजिक स्पेल वे आर मरमेट सिंग अब ये मरमेट्स क्या होता है मत्स्य कन्या मत्स्य कन्या जिसका ऊपर का पार्ट लेडीज के जैसा रहता है और नीचे क्या रहता है उन लोग का फीस के जैसा टेल रहता है उसी को मत्स्य मत्स्य को मछली भी बोलते हैं ना उसी को मरमेट्स मत्स्य कन्या वी आर मरमेड सीन जहां पे मरमेट्स मतलब कि मत्स्य कन्या क्या करती हैं सिंग करती हैं गाती हैं वी आर कार्पेट्स फ्लाई देखो यहाँ पे कारपेट्स फ्लाई कर रहा है ये लड़की क्या है कारपेट्स पे है ना कारपेट्स देखो फ्लाई कर रहा है मतलब कि एक लैंड है वो भी बहुत ही मार्वेलस लैंड है और जहां पे ट्रॉल्स और जेंट्स रहते हैं जहां पे बीचेस क्या करती है अपने बीटर ब्यू से मैजिक कास्ट करती है कहा जहां पे मरमेड गाना गाती है जहां पे कार्पेट्स क्या होता है फ्लाई करता है वेयर इन द दीट्स ऑफ द नाइट जहां पे रात के बीच का पहर जो होता है वहां पर क्या होता है ब्रॉनिस डांस अब ब्रॉनिश मतलब ब्रॉनिस का मतलब क्या होता है वही बॉन अभी जो मैं बता रही थी ब्रॉनिस का मतलब होता है मैजिकल क्रिएचर्स दैट लुक लाइक ए स्मॉल ह्यूमेन्स एंड आर सेट टू लिव इन आवर हाउसेस एंड हेल्प आउट विथ कोर्स तो वहां पे क्या होता है जब रात का बीच का पहर होता है तो क्या कौन नाचता है ब्रॉनिस नाचता है टू क्रिकेट ट्यून्स किसके ट्यून्स पे ये ब्रॉनिस डांस करता है क्रिकेट के ट्यून पे समझ में आया जब रात का बीच का पहर होता है है मतलब मिड्स ऑफ नाइट कौन डांस करता है? और किसके ट्यून पे डांस करता है क्रिकेट ट्यून्स पे एन घोस्ट ऑल सीवरी एंड वाइट घोस्ट मतलब भूत सीवरी मतलब अभी मैं बताई डर से या ठंड से कापना प्राउल एंड मोन ब्रॉनिस टू क्रिकेट एंड घोष ऑल सिवरी एंड व्हाइट प्रॉल एंड मोन मोन मतलब क्या होता है अभी मैं बताई जब कोई दर्द में हो या दुखी हो तो क्या करता है वो जो साउंड निकालता है और लंबा साउंड निकालता है उसी को मोन बोलते हैं और प्रॉल मतलब क्या होता है इधर उधर घूमना शांति से मतलब घोष्ट क्या कर रहा है इधर उधर शांति से घूम रहा है मतलब प्रॉल मतलब हंटिंग के लिए भी हुआ अपना शिकार के लिए भी देयर इज अ लैंड ऑफ मैजिक फॉल्स एंड डेड्स मतलब ये पूरे पोएम को तुमको पढ़ने के बाद क्या लग रहा है यहाँ पे केवल मैजिक है और केवल घोष ट्रॉल जेंट्स इस टाइप के लोग बीचेज मरमेड्स कार्पेट ब्राउनिस इस टाइप के लोग रहते हैं मतलब की ये लैंड क्या है केवल जादु के बारे में है देअर इज अ लैंड ऑफ मैजिक फॉल्स एंड डीड एंड एनी वन कैन विजिट देअर हु रीड्स एंड रीड्स एंड रीड और इस जगह पर वही लोग जा सकते हैं जो बुक्स को पढ़ेंगे देयर इज अ लैंड अ मारवेलस लैंड वेयर आर ट्रॉल्स एंड जेन्ट्स डिवेल वेयर आर विचेज विथ देयर बीटर ब्रू कैन कास्ट अ मैजिक स्पेल वेयर मरमेड सिंग वेयर आर कार्पेट्स फ्लाई वे आर इन द मिड्स ऑफ नाइट ब्रॉनिज डांस टू क्रिकेट ट्यून्स एंड घोस्ट ऑल सिवरी एंड व्हाइट Prawl and moan. There is a land of magic folks and deeds, and anyone can visit there who reads and reads and reads. In this poem, the speaker he talks about the pleasure of reading books. He says that there is a magical land that we can visit only if we read story books. This is because बुक्स हैव द पावर टू हेल्प अस इमेजिन ऑलमोस्ट एनी थिंग्स इवन मैजिक बुक्स के पास ऐसा पावर है जिससे कि हम लोग किसी भी चीज को इमेजिन कर सकते हैं किसी के बारे में जान सकते हैं यहाँ तक की जादू के बारे में भी जान सकते हैं नाउ डियर स्टूडेंट आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है यू ऑल प्लीज लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम एंड ऑल्सो इस चैप्टर में तो क्वेश्चन आंसर नहीं है फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसे मैं पहले भी कंप्लीट करा चुकी हूँ आप लोग इसको फिर से कंप्लीट करके और इसको याद करना एंड डियर स्टूडेंट आप लोग के मोबाइल में मैसेज गया होगा कि एक मार्च से हमारे स्कूल में एग्जाम स्टार्ट होने वाला यानी कि आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम होगा सो डियर स्टूडेंट यू ऑल प्लीज टेक द कॉपी फ्रॉम सुदना ऑफिस आप लोग सभी लोग सुदना ऑफिस से मैसेज में लिखा हुआ है कि 12 फ़रवरी से 12 फ़रवरी से 25 फ़रवरी तक स्कूल में सुदना ऑफिस से जाकर स्कूल का कॉपी लेकर आना है और उसी में एग्जाम देना है एंड डियर स्टूडेंट्स आज मैं आप लोग को सिलेबस दी हूँ चैप्टर फोर एंड फाइव फिर चैप्टर सेवन एट नाइन टेन इलेवन Uh, हमारा मेन कोर्स बुक से और चैप्टर फोर फोर एंड फाइव और चैप्टर सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व हमारा लिटरेचर बुक से ये सारा चैप्टर का वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर याद कर लोगे और ग्रामर में मैं जो चैप्टर सिलेबस में लिख कर दी हूँ वो सारा चैप्टर को रिवाइज कर लोगे और जो कॉपी सुधना ऑफिस से आप लोग जरूर ले आना उसी में आप लोग को इज्जाम देना है थैंक्स हैव अ नाइस डे